फेसबुक डेटा लीक के ऊपर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पिछले दो दिनों से अपनी सफाई देते दिख रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है फेसबुक डेटा लीक का पूरा मामला क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है फेसबुक से और इसे कहीं और यूज किया जा रहा है। तो क्या आपका भी डेटा लीक हुआ है फेसबुक के ऊपर से? उसे कैसे चेक करें कि आपका डेटा सिक्योर है या फिर लीक हो चुका है ऑलरेडी? तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। हे, दिस इज अयान एंड यू आर वॉचिंग ऑन चैनल टेक्नोबाज। पार्टिसिपेट किया है तो आपका डेटा लीक हो चुका है। तो ये गेम कैसे काम करता था? एक्चुअली आप इस गेम में जब लॉग इन करते थे, इसे आपको फेसबुक से ऑथराइज करना पड़ता था, और ये जब आप लॉग इन करते थे इस एप्लीकेशन में, तो फेसबुक उस वक्त आपसे आपके पर्सनल डिटेल को इस गेम के साथ शेयर करता था, जो कि पर्सनल डिटेल में आपके नेम, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी सिटी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारा कुछ फेसबुक ने शेयर किया था इस एप्लीकेशन से जिसका नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ। और अगर आपने इस गेम में पार्टिसिपेट किया या फिर आपका किसी फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसकी फ्रेंड लिस्ट भी इस गेम के साथ शेयर हो जाती थी और उसका भी डेटा लीक हो गया है। और फेसबुक से इस डेटा को एक्सेस कर लिया है कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी ने, और इसका पूरा का पूरा फायदा 2016 के इलेक्शन कैंपेन, यूएस इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो ये डेटा को आप कैसे चेक करें कि आपका डेटा लीक हुआ है या फिर आपका फेसबुक सुरक्षित है या नहीं? तो इसके लिए आपको अपने फेसबुक में लॉग इन करना होगा और आपको जो टॉप राइट कॉर्नर में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है और यहां सर्च बार में आपको लिखना है कैम्ब्रिज एनालिटिका, और उसके बाद यहां पर आप वाज माई इंफॉर्मेशन शेयर्ड पे आप क्लिक करें। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं है, मतलब कि मेरा कोई फ्रेंड या फिर मैंने कहीं पर भी कोई ऐसे दिस इज योर डिजिटल लाइफ गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने या फिर मेरे किसी भी फ्रेंड ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ क्यूजिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो यहां पे डेटा लीक का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो आप भी जाके चेक करें क्या आपने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ क्यूजिंग गेम में अगर पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपका डेटा यहां पर इनसिक्योर है, आपका डेटा यहां पर लीक हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 लाख लोगों का इंडिया के अंदर डेटा लीक हुआ है, जो लोगों ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ या फिर उनके किसी फ्रेंड ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ क्यूजिंग गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो आप जाके इस प्रोसेस से अपने डेटा को चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा सिक्योर है या फिर इनसिक्योर है। फेसबुक ने यह फीचर इसलिए दिया है क्योंकि फेसबुक ने यहां पर अपनी गलती मानी है, और उन्होंने यह भी कहा है मार्क जुकरबर्ग ने कि जो आपका डेटा लीक हुआ है वो आने वाले 2019 इलेक्शन में इसे ना यूज किया जाए, इसका लीक ना हो, इसका इस्तेमाल ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। तो आप जाके यहां पर चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अयान साइनिंग आउट।